no, no. इसमें कोई पहचान ना रहा है यार ये कौन है फर्स्ट ओवर Very good ball, absolutely. Very good field here. By the guns. Good fielding. अपने छोटे-छोटे कदमों से आते हुए कमेंट्री करेंगे इधर हाँ कमेंट्री करेंगे एक शॉट मारता ये लगा बाउंड्री रन के बाद फोर रनों के लिए निकाल दिए गुड फील्डिंग Absolutely, the Raj is bowling fantabulously. The black team all set. Once again, welcome everybody to the Gold Charity Cricket match in here with Sinta. After the first over, the score is 4 for North Wicket. It was the first ball of the second over. It's a very special cause. हमारी एक सेंटा हमारी एसोसिएशन है एक्टर्स की सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ये उसी के लिए हम एक चैरिटी मैच खेल रहे हैं which is a beautiful thing. I think हर एक्टर को इसका हिस्सा बनना चाहिए. I'm very lucky. I'm very proud to be a part of it. और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि हम अपनी बॉडी अपनी एक हमारी जो एक्टर्स की बॉडी है जहाँ पे हम जब तब जाते हैं जब हमें उनकी याद आती है यू नो कि ये प्रॉब्लम हो गई है ये प्रॉब्लम हो गई है सो हम उनके लिए कुछ करें वो बहुत अच्छी बात है ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो और स्ट्रॉन्ग हो और यूनिटी डेवलप हो हमारी सिचुएशन में एक्टर्स सिचुएशन में सो मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं और हमारी यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है I'm talking about people who loves to work, जो काम करते हैं अपना अच्छे से काम करते हैं, जो ज़्यादा परेशान नहीं करते किसी को। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर भी कहीं ना कहीं problem ज़रूर होती है। मैं मेरे साथ हो रही है और मैं गुजर रहा हूँ उस problem से और मैं Sinta के पास ही जा रहा हूँ। So Sinta is really helping a lot and it's a great help. और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी Sinta के साथ मिस्टर सुशांत सिंह और अमित बेल जैसे लोग जुड़ गए हैं जो कि यंग हैं जो एक्टर्स हैं जो हमारी बहुत बातें समझते हैं सो वो अच्छे लेवल पे समझ सकते हैं तो हम कोई भी बात जाके शेयर कर सकते हैं बिकॉज वो एक्टर्स हैं वो अच्छे से समझते हैं सो आप ऐसा इसी के लिए हम मैच खेल रहे हैं सारे एक्टर्स इकट्ठे हुए हैं इंडस्ट्री के और मैं मना नहीं कर सकता था यार मैच खेल के कितने एक्साइटेड हैं आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए तो कभी भी यार क्रिकेट तो बचपन से खेले हैं और आज एक और मौका मिला क्रिकेट खेलने का वो भी एक्टर्स के बीच में सबसे बढ़िया बात ये है कि जितने भी एक्टर्स हैं सब अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हैं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही खेल रहा है और किसी को खेलना नहीं आता तो उसमें मज़ा कम आता है जब यहाँ पर कॉम्पटिशन अगर आप देखिएगा थोड़ी देर में कितना कॉम्पटिशन बढ़ जाएगा क्योंकि वो इसलिए क्योंकि सब अच्छा खेलते हैं और सब बड़े जुनूनी खेलते हैं और जुनून के साथ खेलते हैं वो सबसे बेस्ट चीज़ है और ये थैंक यू रेडी नहीं ये सिंटा का इनिशिएटिव नहीं था भाई ये गोल्ड अवार्ड्स और गोल्ड चैरिटी का इनिशिएटिव है विकास कलंत्री जो खास दोस्त हैं अमित बहल जी के वैसे भी और ये हर साल होता था तो इस बार ये हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई हम सिंटा के लिए इस बार ये करना चाहते हैं सो इट वॉज देयर थाट एंड वेरी वेरी नोबल थाट बहुत खुशी हुई सुन करके और यहाँ भी जब सिंटा का लोगो देखता हूँ तो और जरा सीना चौड़ा हो जाता है चैरिटी की बात हो रही है तो आप चैरिटी में कितना एक्टिंग करते हो सर चैरिटी तो हर इंसान को करनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया पूरी ऐसी सिस्टम हो गया है कि
वैसे तो आदमी के लिए नीड के लायक तो ज़मीन से उग जाता है, लेकिन ग्रीड में कुछ ऐसा हो गया माहौल कि हर कोई वो अन्न भी नहीं उगा पाता, हर एक को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो बहुत से लोग हैं जो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन्हें कभी बचपन से मौका ही नहीं मिला। हेंस द नीड फॉर चैरिटी फॉर दोज जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बेसिक कपड़े नहीं हैं। सो उसके लिए जिनके पास है, भाई आप अपना, इट्स लाइक हमारे ओमपुरी जी, ही अनाउंस्ड इन दिस AGM कि वो अपनी इनकम का जो भी प्रॉफिट्स जो होंगे उसमें से 1% आफ्टर टैक्सेशन वो सिंटा को डोनेट करेंगे। उन्होंने कहा तो मैंने भी कहा मैं भी अपनी इनकम का 1% दूंगा। कुछ भी नहीं है, 1% से मेरा या और किसी एक्टर का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो बाकी एक्टर्स हैं हमारे यहाँ नीड में, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह देश में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, आप अपनी इनकम का 1% भी दान कर दें किसी भी चैरिटी को, अनाथालय को, कहीं भी, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, तो वैसे ही आई लव क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, खेलना नहीं आता मुझे अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल ना बैटिंग कर सकता हूँ, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, कुछ नहीं कर सकता, अंपायरिंग कर सकता हूँ। और सारे इतने सारे सिंटा मेंबर्स खेल रहे हैं, और भी लोग हैं जो सिंटा मेंबर्स नहीं है लेकिन सिंटा की हेल्प के लिए खेल रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड लाइव मैच देखने का मज़ा ही ज़िंदगी में कुछ और है। डिसाइड किया किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं एक ही टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, उस टीम का नाम है सिंटा। वेल आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो रही है, बिकॉज सारे दोस्त यू नो टेलीविजन के जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ यू नो यहाँ पे मिले हैं यू नो चैरिटी मैच करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये सारा जो चैरिटी जितना भी पैसा हम कलेक्ट करने वाले हैं वो सिंटा को जाने वाला है। सो हैप्पी ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। आपकी मैच बैटिंग कर रही है आपकी टीम, कितने रन से मैच को लेकर आप? नर्वस तो नहीं, बस मैं इतना ही चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक यू नो फाइटिंग मैच रहे। मैं नहीं चाहूँगा कि सामने वाली टीम भी जल्दी आउट हो जाए, मैं चाहूँगा कि ये मैच लास्ट ओवर तक जाए, सो दैट यू नो जितने भी यू नो लोग यहाँ पर आए हैं मैच को देखने के लिए तो एटलीस्ट वो एंजॉय कर सके। सो मेरा यही मोटो है कि एट द एंड यू नो इट शुड बी इंटरेस्टिंग मैच। कितने ओवर होने वाले इस मैच में? 20 ओवर की ये मैच है। तो एनी प्लान किसको क्या कैसे किसको प्लेस करना है? अभी तो यू नो मैंने ओपन में समीर कोचर और सलील अंकोला को भेजा था, अभी सलील अंकोला के बाद मोहित अंदर गए हैं, अब मोहित के बाद यू नो देयर इज दिस एक्टर कॉल्ड शेफ जो करने वाले हैं, वो लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत ही टैलेंटेड है, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने के लिए। उसके बाद शरद केलकर है, बहुत सारे हमारी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो बैटिंग में कोई टेंशन नहीं है। सो मैंने अपने प्लेयर्स को वही कहा है कि यू नो मेक द यूज़ ऑफ द फर्स्ट 6 ओवर्स सो दैट यू नो अच्छा टारगेट हो सके, उसके बाद बाकी के आराम से यू नो खेल सकेंगे। आज आपने पहले से रेड कैप पेन रखा है, तो आज कितने तक रन बनाएंगे आप? रेड कैप उसका क्या लेना देना है इससे? इन IPL रेड कैप प्रोवाइड करते ज़्यादा? अच्छा वैसा नहीं भाई, मैं उस रीज़न से मैंने ये कैप नहीं पहना है कि मैं कितना स्कोर करने वाला हूँ, हाथ में ये कैप आ गई तो मैंने ये पहन ली थी, बट होपफुली मैं चाहूँगा कि अच्छा स्कोर कर सकूँ और टीम के लिए बहुत अच्छा यू नो टारगेट डाल सकूँ। थैंक यू सो मच। ये जो चैरिटी मैच है ऐसा होता है गोल्ड चैरिटी मैच, और आई थिंक मैं चौथी बार खेल रहा हूँ मेरे ख्याल से, और मैच इंटरेस्टिंग है क्योंकि टीम दोनों डिवाइडेड है इक्वली, दोनों तरफ इक्वल पर है, अभी बॉक्सी बॉयज़ के सारे प्लेयर्स हैं और हम सब बॉक्सी बॉयज़ में खेलते हैं, तो आइडिया है कि क्या स्ट्रेंथ है किस प्लेयर की, तो दोनों टीम इक्वल हैं, बढ़िया मैच चल रहा है। मैं तो बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक आई प्लेड, बट मज़ा आने वाला है, बैटिंग का चांस मिले तो। चैरिटी का मैच है, चैरिटी में आप कितना यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन रखते हैं यार आप, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ अंश जितना भी चैरिटी करें, बहुत लोग जरूरतमंद हैं यहाँ पर, स्पेशली ये तो सिंटा के लिए जो हमारी सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है उनके लिए है, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपना योगदान करें उसके लिए, और ताकि हमारी जो एसोसिएशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, जो नीडी है उनको उससे फ़ायदा हो, तो हम तो पूरे पूरे योगदान देते ही हैं, साल भी दे रहे हैं सिंटा के लिए। सो हम अपना काम कर रहे हैं खेल के, बाकी जो लोग नहीं खेल पा रहे हैं वो अपना योगदान करें, सेंटा की जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितने उनके जो उनके इवेंट्स होते हैं उनमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, उनको भी ये भरोसा रह गया कि सब एक्टर्स साथ में, सो ये कोशिश है। आप फील्ड पे कब नजर आएंगे? फिलहाल तो हमारा एक ही विकेट गिरा है, तो आई थिंक मैं 4th डाउन जाऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ मौका ना मिले तो हमारे बैट्समैन खेलते रहें,
बाकी फील्ड बॉलिंग करेंगे तो देख ही लोगे आप. एनी प्लान चेंज की डर के तरह कर लेंगे? नहीं नहीं यार, मैं आज जैसा बॉल आ गया वैसा मारो, सिंपल है.